अपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमारे अकेले के बदल जाने से क्या हुआ, हमारे अकेले के करने से क्या हुआ। और शायद कभी ना कभी आपके मन में भी ये बात आई होगी कि एक आदमी के बदल जाने से क्या हो सकता है। होता क्या है कि एक गांव में कई दिनों तक बारिश नहीं होती, और जब बारिश नहीं होती तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। इस बात को लेकर गांव के सभी लोग परेशान थे। तो वही गांव के पास में एक साधु, एक महात्मा जी रहते थे। सब लोग उनको बहुत मानते थे, तो सब उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा जी कुछ तो करो महाराज, कुछ तो करो, बारिश नहीं हो रही, कोई तो उपाय बताओ। तो महाराज जी उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि गांव के बाहर एक कुआ है, सभी लोगों को आज रात में एक एक लोटा दूध उस कुएं में डालना है, लेकिन देखना नहीं है कुएं में, कुएं के अंदर नहीं देखना, बस जाइए दूध डालिए और वापस आ जाइए, देखना नहीं है। ठीक है भाई, सभी उनकी बात मानते थे, तो सभी ने सोचा। अब उस गांव में एक बड़ा कंजूस व्यक्ति रहता था। उसने सोचा कि यार सब तो दूध डालने वाले हैं, तो अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा पानी थोड़ी दिखाई देगा। तो वो डिसाइड कर लेता कि भैया वो तो पानी डालेगा। ठीक है भाई, सब लोग डाल आते हैं, वो पानी डाल आता है। अब कल सुबह होती है, बारिश नहीं होती। अब जब बारिश नहीं होती तो सब लोग गुरुजी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि महाराज जी बारिश तो हुई नहीं, आप कह रहे थे बारिश होगी। तो गुरुजी कहते हैं यार ऐसे नहीं हो सकता, बारिश तो होनी चाहिए थी, क्यों नहीं, चलो चल के देखते। सबने दूध डाला था, सबने दूध डाला। आते हैं, देखते हैं, और जब कुएं में झांकते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कुएं में क्या होता है, वहां दूध की एक बूंद भी नहीं थी, पानी ही पानी था। मतलब ये कि जैसे उस कंजूस ने ये सोचा था कि मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब तो दूध डालने वाले हैं, ऐसे सबने यही सोचा और सबने पानी डाला, दूध किसी ने नहीं डाला। तो क्या बात समझ में आती है इस कहानी से, अगर हम, जब आप ये बात सोच रहे हैं कि मेरे एक के बदलने से कुछ नहीं हो सकता, मेरे एक के करने से कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है पूरी दुनिया में हर आदमी यही सोच रहा हो उस समय कि मेरे अकेले के बदलने से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पहले कोई बड़ी से बड़ी जर्नी पहले कदम से ही शुरू होती है। याद रखना, चेन, कोई चेन ना कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सारी उसकी जो कड़ियां हैं कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर एक भी कड़ी कमजोर रह गई तो जैसे ही उस चेन पर तनाव पड़ेगा ना, वो कमजोर कड़ी टूट जाएगी, और जैसे ही वो कमजोर कड़ी टूटेगी पूरी चेन टूट जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए हम सबको बदलाव लाना है। जो चेंज आप दुनिया में चाहते हैं वो सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। कहते ना, बी द चेंज व्हाट यू वांट इन द वर्ल्ड, वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। बस शुरुआत करिए।